में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है, जिसमें जो 10 बजे से खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है, और उसमें टीकाकरण भी नियमित नहीं हो पाता है, और डिलीवरी के लिए लोगों को दूर जाने के, यहाँ के लोग दूर नहीं जाना पाते तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, घर में जो है तो डिलीवरी हो रही है जिससे मात मृत्यु का भी डर रहता है। करीब 2 लाख की आबादी है यहाँ पर, लेकिन आज तक यहाँ पर से किसी सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया, तभी इतना पिछड़ा हुआ है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छे छोटे छोटे कस्बे हैं, डेवलपमेंट है एरिया है, लेकिन ये बजड़िया में स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके मतलब किसी भी मुद्दे पर आप आ जाइए तो मतलब कुछ भी यहाँ नहीं। इतने एरिया में सोचिए एक बैंक नहीं है, लोग पैसे भी अगर थोड़ा जुटाते हैं चाहते हैं जमा करना तो दूरी की वजह से होते हैं, काम का मेरा हर्जा होगा, जाते नहीं ना यहाँ बैंक को, एटीएम कोई नहीं ना। सरकारी स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय है, मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ उर्दू टीचर नहीं है उस प्राथमिक विद्यालय में, जिसकी वजह से लोग मदरसों में प्राइवेट नाम लिखवा दे रहे हैं बच्चों का, उस स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। उस स्कूल की जनसंख्या 180 है और 3 टीचर हैं उसमें। गवर्नमेंट ध्यान, एक तो मतलब यहाँ के लोग जागरूक नहीं ना, कि उनको पता नहीं ना कि किस लाइन से कहाँ जाके हमको करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, चूँकि इतने वो दलित हैं, एकदम दबे हुए लोग हैं कि सोचते हैं कि हम जाएंगे मेरा टाइम उतना वेस्ट होगा, उतने में हम 2 पैसे की रोजी रोटी अपनी कर लेंगे जिससे कि मेरे बच्चों का पेट पल जाएगा। कोई इस पर तवज्जो नहीं है। कोई भी सरकार आती है तो कोई भी इलेक्शन होता है, वादे तो सब बहुत करने आते हैं, आएंगे तो लगेगा कि अब सब काम हो जाएगा, लेकिन जाने के बाद फिर कुछ सरकार बन गई, काम ख़त्म, फिर कोई पलट के पूछने भी नहीं आता।